हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजन, यू आर वाचिंग माय चैनल रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास ब्लू स्टार का इन्वर्टर एसी है और वो कूलिंग नहीं कर रहा है गाइस, आपके इंडोर यूनिट में F2 करके एरर आ रहा है, तो ये F2 एरर किस चीज का फॉल्ट है इसको मतलब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, इसकी मीनिंग क्या है वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपके इंडोर यूनिट में अगर कूलिंग नहीं हो रही है और कुछ एरर शो नहीं हो रहा, तो आप अपने आउटडोर यूनिट के पास जाइए, आउटडोर यूनिट आप जैसे ही पट्टी करेंगे तो उसमें कूलिंग लैंप जो है उसको आप देखिए, उसमें आउटडोर पीसी में कूलिंग लैंप होगा, आप एक बार अपने पार्टनर को बोल के एसी चालू करवाइए, और उसमें आप जैसे पीसीबी में देखेंगे तो कुछ टाइम के बाद कूलिंग लैंप जो है उसमें 2 टाइम लाइट ब्लिंक करेगी, तो ये 2 टाइम जो लाइट ब्लिंक करेगी कूलिंग लैंप में वो भी F2 का ही एरर है। तो आज मैं F2 के बारे में ही आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको, या कूलिंग से रिलेटेड आपकी कोई एसी में आज फंसे हुए हैं, या कुछ आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है, गाइस जाइए उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी में अगर इंडोर यूनिट में F2 करके एरर आ रहा है, या आपके आउटडोर पीसीबी में आपकी कूलिंग लैंप जो है उसमें 2 टाइम लाइट ब्लिंक कर रही है, तो F2 का एरर है। F2 का एरर जो है गाइस, वो इंडोर कॉइल सेंसर का फॉल्ट है, एक सेंसर लगा हुआ होगा, हो सकता है कि उसे चूहे ने ब्रेक कर दिया हो, तो आप उसको एक बार खोल के देख लीजिए, और अगर चूहे ने ब्रेक किया है तो उसको रिपेयर करके चलाइए तो ये एरर हट जाएगा, और चूहे ने ब्रेक नहीं किया है उसके बाद भी F2 एरर आ रहा है, तो आप अपने कॉइल सेंसर के कनेक्टर को निकाल के फिर से चालू करके देख लीजिए, अगर उसके बात भी नहीं आता गाइस तो आपको कॉइल सेंसर चेंज करना पड़ेगा, कॉइल सेंसर चेंज करने के बाद ये वाला जो F2 वाला एरर है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर कर दें।